कुछ ऐसे बर्डपीस के नए यूजर हैं जो अभी बर्डपीस सीख ही रहे हैं। कुछ यूजर का कहना है टैग्स कैसे डालें, टैग्स का ऑप्शन कहाँ मिलता है और हमें कितने टैग्स डालने चाहिए पोस्ट के अंदर जिससे कीवर्ड स्टफिंग नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टैग्स से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट के टैग्स से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। तो आप नए यूजर हैं बर्डपीस के, अभी बर्डपीस सीख रहे हैं, तो टैग्स कहाँ डालते हैं, कहाँ मिलती है इसकी सेटिंग, कैसे जरूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू सिर्फ क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। तो आप कोई भी पोस्ट खोल लीजिए। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल स्पैम क्या है, मैं इस पोस्ट को खोल लेता हूँ। तो मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों आपको टैग सेटिंग नहीं मिले यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो साइड बार के ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट और ब्लॉग दो ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर टैग्स आपको कहाँ डालने हैं, आप नीचे आएंगे तो आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, टैग्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने तीन ही डाले हैं। अगर आपको हटाना है तो क्रॉस बटन दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके टैग्स को हटा सकते हैं। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर जो भी टैग्स डालना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आप ब्लॉग पोस्ट के अंदर 3 से 4 ही टैग्स डालें। आप ज़्यादा डालेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। और ये भी बात ध्यान रखना कि टैग्स जो भी डालें वो आपके टाइटल से मिलते जुलते एंड फोकस कीवर्ड से मिलते जुलते होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं डालें। अगर दोस्तों आपकी पोस्ट है जैसे कि यूट्यूब चैनल स्पैम क्या है ना, तो इससे मिलते जुलते आपको टैग्स डालने होंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ठीक है। अगर आप ये लिख देंगे इसमें यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, तो यहाँ पर मिसलीडिंग टैग्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो है वही आपको रखना है। तो यूट्यूब चैनल स्पैम क्या है मैंने वही डाला है, तो मैंने डाला है यूट्यूब स्पैम क्या है, स्पैम यूट्यूब हिंदी। अब मैं इसे हिंदी में तो डाल नहीं सकता क्योंकि हिंदी में कुछ ज़्यादा टाइप नहीं करता, इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइप करते, तो मैंने इंग्लिश के ही टैग डाल दिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो आपको 3 या 4 टैग ही डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं यूट्यूब स्पैम हिंदी हो गया, यूट्यूब स्पैम क्या है, तो यहाँ पर हम एक और कीवर्ड डालते हैं यूट्यूब स्पैम बस, एंड कॉमा लगा देते हैं। हम 4 डालते हैं, 3 डालते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं डालते क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग हो सकती है पोस्ट के अंदर, तो ठीक नहीं है ये। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब भी टैग डालें तो नीचे आके फोकस कीवर्ड्स को देखें और फोकस कीवर्ड का भी एक टैग ज़रूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि फोकस कीवर्ड टैग्स बनाएंगे तभी आप पोस्ट का अच्छा स्ट्रॉन्ग SEO कर पाएंगे, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड जैसे कि हम टाइटल में मेंशन करते हैं, है ना, एंड यहाँ पर हम बीच में मेंशन करते हैं यानी कि पैराग्राफ में, एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं, है ना, URL में मेंशन करते हैं, तो आपको टैग्स में भी फोकस कीवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो टैग्स आप इस तरह डाल सकते हैं, हटाना है तो आप हटा सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपकी पूरी पोस्ट के टैग्स कहाँ मिलेंगे, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो आप जब भी करें टैग्स को एडिट या डिलीट तो अपडेट ज़रूर कर लीजिए। एंड यहाँ पर हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, और पोस्ट के नीचे मिलेगा टैग्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पोस्ट के अंदर टैग्स डाले वो यहाँ पर लिस्ट कर जाएंगे। जितने भी आपके पोस्ट के अंदर टैग्स हैं वो यहाँ पर हैं, लिस्ट कर जाएंगे। देखिए ये टैग्स आपके यहाँ शो हो रहे हैं, आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आप टैग्स डाल रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक इस ब्लॉग में कम से कम, अभी कितना बता रहा है ये, 182 टैग्स डाल चुका हूँ, ठीक है। 50 पोस्ट में, 50 से 60 पोस्ट होंगी, 182 मैंने 182 टैग्स डाल दी हैं, है ना। तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपको एडिट करना है टैग्स को, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट वहाँ से कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे यहाँ टैग्स ऐड हो जाएंगे, ये देखिए, है ना। अभी यहाँ पर किस पोस्ट का है वो आपको फोकस की वीट से मेंशन हो जाएगा, टाइटल भी आपको दिखाई देगा, है ना। तो यूज्ड प्लगइन आप यूज़ करेंगे दोस्तों तो फोकस कीवर्ड भी आप बना सकते हैं टैग्स का, है ना, आपको सेपरेट टैग्स के अंदर आने होंगे, ठीक है। तो आप टैग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड एंड यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्टेड सेटिंग रहती है तो मैं यहाँ पर चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं वहीं पोस्ट के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो टैग्स से रिलेटेड जो सेटिंग वो यहाँ भी मिल जाएगी और आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ अगर यहाँ पर चेंजेस करना है क्विक एडिट कर सकते हैं कितने टैग्स यूज किए हैं अपनी सभी पोस्टों के अंदर, है ना। कुछ बेसिक जानकारी थी टैग्स रिलेटेड, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।